याद बहुत आता है छोटू का, कैसा लगेगा? हम भी चाहते हैं अभी जो दोषी है उसको सजा मिले। याद तो आता है लेकिन वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? पहले से ठीक है दोस्तों। 71 दिन के बाद आरती आज जनता दरबार पहुंची है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रो रो कर नौकरी और छोटू को इंसाफ का गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, आरती और छोटू केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी को बता दूँ। छोटू यादव को इस दुनिया को छोड़कर गए लगभग 71 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरती को ना नौकरी मिली है ना ही छोटू यादव को इंसाफ। जी हां, आप सभी को बता दूं कि आरती इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलने पटना गई हुई थी, इसके बावजूद भी आरती को ना नौकरी मिली ना ही छोटू यादव को इंसाफ। जी हाँ, आप सभी को बता ये सब देखने के बाद आरती अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच गई है और नौकरी और छोटू को न्याय दिलाने का गुहार करने लगी है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। मैं आप सभी को बता दूं, जब आरती जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री ने आरती से कहा, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी और छोटू को इंसाफ भी। उन्होंने आरती से आगे ये कहा कि आप धैर्य बनाए रखें, छोटू के कातिल को जल्द सजा होगी। तो यही था हमारे वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें।